हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी बिहारी रसोई। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पनीर मोमो की रेसिपी। यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पनीर मोमो बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इसका डो लगाएंगे। डो थोड़ा सा टाइट ही लगाना है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के सेट कर देंगे। अब हम इसको वैसे ही 20 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा फ्राइंग पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। यह हमारा 2 ग्रीन चिली है, थोड़े से जिंजर के टुकड़े हैं, अचार गार्लिक की कलियां हैं, इसको हमने बारीक काट लिया है। इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम। साथ ही साथ मैं डालूंगी 1 कप हमारा कैबेज है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप हमारा ऑनियन है। अभी मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट ताकि हमारा कैबेज में सॉफ्ट हो जाए। मैं डाल रही हूँ गाजर, इसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। ये मैंने लिया है 1 कप पनीर, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्प्रिंग ऑनियन। यह हमारा है ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। हमारा मोमो के लिए स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम इसे गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे स्टफिंग करेंगे। हमारे डो को सेट हुए 20 मिनट्स हो गया है। अब हम इसके छोटी छोटी पूड़ियां बेलेंगे, जैसे आप पूड़ी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही। मैं एक और शेप बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए हमारा सब मोमो बन के रेडी है। अब चलते हैं हम इसको स्टीम करने। स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा पानी रखा है। इसमें मैं रखूंगी ये होल वाले बर्तन, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पे सारे मोमो डाल देंगे। हमें इसे 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे ढक करके बनाना है। हमारे 15 मिनट्स पूरे हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। देखिए हमारा मोमो अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर मोमो बन के तैयार है। देखिए कितना अच्छा बना है। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।